हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले हम देखें प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ सेक्शन, जिसमें हम देखे थे कि वन डिग्री अल्कोहल से कैसे बनता है, या एल्डिहाइड से कैसे बनता है, या अल्काइल बेंजीन है, अगर बेंजीन जो बना है तो वो कैसे बनेगा हमारा, और फिर हम ग्रिगनार्ड से देखे थे। आज हम देखेंगे एसिड हैलाइड से और एसिड एनहाइड्राइड से। चलिए आइए हम देखते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये हो गया एसिड हैलाइड। हम लिखते हैं कैसे, आर सी ओ एक्स, एक्स मतलब हैलोजन ग्रुप, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जल्दी हम हमारे पास क्या है, आर सी ओ सी एल, ठीक है, आर सी ओ सी एल, और ये हो गया हमारा एसिड हैलाइड। यानी क्या होगा, यहाँ पे एसिड क्लोराइड हो जाएगा हमारा, ठीक है, एसिड क्लोराइड हो जाएगा हमारा, हम एसिड क्लोराइड कहते हैं। यानी कि हम आप आर की जगह पर एच लगाना है तो क्या होगा, मिथनॉल क्लोराइड। अगर यहाँ पर सी लगाएगा इथेनॉल क्लोराइड कॉमन मिले चल जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है, ये हमारा हो गया एसिड हैलाइड। तो आर सी ओ सी एल इसको दो मेथड से बनाते हैं हम लोग, या तो सिंपली आप हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, या बेस प्लस इक्वस मीडियम में कर दीजिए। इसमें जो है आपका बेसिक मीडियम में अंदर थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि अगर आप देखिएगा इसको तो ये मोक्ट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये अगर नेगेटिव है तो फास्टर अटैक करेगा इस पर, जब इस पर अटैक करेगा, अगर इसको देखेंगे तो क्या फास्टर अटैक करता है हमारा, और ये बनाता है इसको, क्योंकि ये इसको न्यूट्रलाइज, तो ये फास्टर अटैक करेगा तो यहाँ क्या होगा OH, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। फिर से इसको ये नेगेटिव पुल करके बाहर निकाल देता है, ये इसमें क्या होगा, इसको बाहर निकाल देगा तो ये क्या बन जाएगा आपको, इस तरह से आपका ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन बाहर निकल गया और ये बन क्या जाएगा, क्योंकि निकलेगा माइनस, यहाँ क्या प्लस, इस तरह से बॉन्ड बन के आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा इस मीडियम में कि ये इसको अभी क्या है कि ये निगेटिव था तो फास्टर अटैक किया, यहाँ तो कोई निगेटिव है नहीं, आपके पास एच प्लस वाटर है लगा हुआ, एच प्लस वाटर है तो आप क्या कीजिएगा, एच प्लस वाटर है तो वो आपके पास ये है, तो वाटर आप क्या है यहाँ निगेटिव डेवलप होगा। आपको पता है कि मोक्ट नेगेटिव है, कार्बन से ओ मोक्ट नेगेटिव है तो अपना निगेटिव खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा, जैसे हम पहले देखे थे। अब आप हम एच प्लस देंगे, हम एच प्लस क्या होगा, ये ओ एच प्लस हो जाएगा। अब इस प्लस को न्यूट्रलाइज करेंगे, यहाँ क्या आएगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा तो यहाँ क्या हो पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, ये पॉजिटिव डेवलप हो गया, आपके पास क्या है वाटर मॉलिक्यूल है, तो आप वाटर मॉलिक्यूल क्या कीजिएगा अटैक करिएगा, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या होगा आपका आर सी ओ, ये ओपन हो जाएगा, जब ये ओपन होगा तो वो पता है कि कोई बॉन्ड टूटता है तो उससे निगेटिव लेके जाता है और यहाँ पॉजिटिव होगा, तो जैसे ही यहाँ निगेटिव लगे न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया तो क्या होगा ये OH हो गया, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव डेवलप हुआ, पॉजिटिव के साथ क्या ये लोन पेयर देके बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर देके बॉन्ड बन गया तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, OH2 है तो OH2 लिख दिए, वो जब बन गया, अब आपके पास क्या यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन को लिख दिए, अब दो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, OH2 प्लस और हमारे पास है Cl माइनस, बस Cl माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप दैन OH2 प्लस। तो ये जैसे ही रिटर्न होता है इसको हटा देता है, ठीक है, और यहाँ से H प्लस भी हट जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहाँ से H प्लस हट गया और यहाँ से Cl माइनस हट गया, तो ये क्या बन जाएगा, जब H प्लस हट जाएगा तो OH बन जाएगा, Cl माइनस हटा तो यहाँ क्या बनेगा पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा तो ये बॉन्ड बना लिया, ये तो ये क्या हुआ लोन पेयर से बॉन्ड बनाया, तो यहाँ क्या हुआ आर सी ओ ओ एच प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ओ एच हो गया क्योंकि एच प्लस ही लूज़ किया,
यहाँ सी एल वन से हट गया तो एस सी एल वन की ये निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एच प्लस हटा दीजिए क्योंकि ये फिर से एसिड बना लेगा। इस ढंग से हम एसिड हैलाइड से हम क्या बनाएं, कार्बोजेलिक एसिड बनाएं। तो इसमें डीएम हमारा फास्टर हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव बना हुआ था, पॉजिटिव से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या हुआ, एच प्लस को भेजा तो यहाँ पर प्रोरेशन शुरू हुआ तो जाके फिर वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उतना इंटरेस्ट नहीं उसका अटैक करने का, तो अटैक तो किया लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए फास्ट अटैक होगा। तो इस मीडियम में हमारा जो होता है रिएक्शन फास्टर हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम लेंगे CH3CO Cl H+ वाटर, क्या होता है हमारे यहाँ निकल के OH बनता था। ये आपके पास यहाँ CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा दीजिए, यहाँ OH लगा दीजिए, ठीक है। आपको इथाइल लगाना है, इथाइल लगा दीजिए, H+ वाटर डाल दीजिए, ठीक है। CH3 CH2 COH बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको बेंजीन पर कराना है तो आप बेंजीन पर भी करा सकते हैं। आप H+ वाटर डालिए तो ये बेंजीन पर हो जाएगा आपका। आप किसी पे भी बना सकते हैं। आप तो ये होगी आपका एसिड हैलाइड्स। आप देखते हैं एनहाइड्राइड से हमारा कैसे बनता है। हाइड्राइड लिखते कैसे हम, ऐसे लिखते हैं। ये दोनों R सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये इसको हम एसिड एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं, देखिए ये हमारे पास एसिड है। एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है, वाटर निकलना। तो हम दूसरा एसिड ऐसा ही ले लें या दूसरा भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम दूसरा एसिड ले लिए तो दूसरा एसिड आर डैश कर दिए, इसको हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। और ये वाटर बन के यहाँ से निकल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, RCO ये O, फिर ये वाटर बन के निकल गया, इतना बन जाएगा CO ये R डैश। तो यही है, तो एसिड से वाटर निकला, एसिड एनहाइड्राइड हो गया। अब हम और वही हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अब हमारा H+ देंगे कहाँ जाएगा, या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, डिपेंड करता है कि किस पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बहुत सारे फैक्टर है, इस पे भी डिपेंड करेगा ये कौन सा है, डोनर है कि एक्सेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम H+ को हम डालें तो हम मान लें कि यहाँ पर हम डालें OH+ हो गया, ठीक है। अब OH+ हो गया था, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, अब ये क्या हुआ, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। तो पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, ऐसे भी ये क्या हमारा मुकुर निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो ऐसे भी डेवलप होना था। H+ गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के चलते थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो अब क्या है कि ये सबसे अटैक कर जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा RCOOH, ये क्या बनेगा OH2, क्योंकि OH2 लगा हुआ है तो इस पर लोन पेयर से दिया है, तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर देता है कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो क्या होता है, उस पर पॉजिटिव डेवलप होता है। तो पॉजिटिव हमारा डेवलप हो गया आपका। अब हम यहाँ से हमारे पास क्या है, ये ग्रुप आगे लगा हुआ है तो ये हम लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम या तो हम इस H+ को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। तो हम इसको हम ट्रांसफ़र कर दिए क्योंकि लोन पे है इसके पास, और इस यहाँ से क्योंकि ये आपके पास OH2+ है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लस है तो ये क्या, अगर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा तो यहाँ प्लस डेवलप होगा तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, तो ऐसे भी देख सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका यहाँ पर, क्योंकि जब लिया ये तो ये क्या हुआ, लोन पेयर इसको दिया होगा तभी ये बॉन्ड बना होगा। OH बॉन्ड कब बनेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है हमारा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये सप्लाई किया इसको तो ये बॉन्ड बना। तो जब सप्लाई किया तो क्या हुआ, पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो ये हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या है, अब ये अनस्टेबल है, अब क्योंकि इसमें न्यूट्रल है तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये हटने की और बेटर लिविंग ग्रुप बन गया, आप ये आराम से इलेक्ट्रॉन खींच के स्टेबल मॉलिक्यूल
बनेगा। तो ये कह रहा है जैसे ही बनना शुरू होगा तो ये लोन पे देना शुरू कर, ये चाहिए कोई तो देना शुरू करेगा तो क्या बनेगा अब आपका ओ एच प्लस या ओ एच, ये बन गया आपका इधर चला गया ये, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं ओ एच प्लस, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा एच प्लस हटा दीजिए क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, एच प्लस हटा दीजिए न्यूट्रल नेगेटिव छोड़ के जाएगा तो नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, तो एच प्लस क्योंकि स्टेबलाइज होने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल क्या होगा विदाउट चार्ज मोर स्टेबल होता है सिर्फ एक्सेप्ट एरोमेटिसिटी को छोड़ के। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ये ओ ओ एच हो जाएगा, ठीक है इस ढंग से हो जाएगा आपको, तो ये आपका बन गया। तो आप आपका आप चाहें इसके जगह पर इसके जगह पर अलग भी रह सकते हैं, डिफरेंट भी सेम भी रह सकते हैं। कुछ एग्जांपल देख रहे हैं सी एस थ्री सी ओ ओ सी ओ सी एस थ्री एच प्लस वाटर दीजिएगा तो क्या बनेगा आपका एच प्लस वाटर देने पे ये क्या बनेगा सी एस थ्री सी ओ, ये क्या बना हमारा यहाँ पर फाइनली एसिड बन के आ गया, ये वाला पोर्शन क्या हुआ यहाँ से निकल गया, ये निकल गया, ये भी एसिड बन गया और ये भी एसिड बन गया। ये अगर सेम है तो ये एसिड बना और ये हमारा क्या हो ये भी एसिड बन कर निकलता है तो सी एस थ्री सी ओ एच। अगर ये डिफरेंट है तो क्या होगा, तो मान लीजिए हम डिफरेंट ले लेते हैं, हम यहाँ सी टू एच फाइव ले लेते हैं तो ये भी एसिड और ये भी एसिड एच प्लस वाटर के साथ, तो एच प्लस वाटर हम यहाँ दे देते हैं तो क्या होगा सी एस थ्री सी ओ ओ एच प्लस ये सी टू एच फाइव सी ओ ओ एच लिख सकते हैं, ये बन गया, ठीक है। तो अब देखते हैं हो सकता है इसके अंदर कि एक बेंजीन हो एक कोई और ग्रुप हो या दोनों तरफ बेंजीन हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माने हम बेंजीन लगा नहीं गए तो यहाँ बेंजीन लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, जब यहाँ बेंजीन लगेगा तो यहाँ बेंजीन लग जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। तो इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे देखने के लिए आपका धन्यवाद।